गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों बाद कोई ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। इट्स 17 अप्रैल टुडे और सुबह के 7:30 बजे एंड अभी एक शो है तो मैंने सोचा एक ब्लॉग कंप्लीट करना ही है आज। बहुत शोज में मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ बट ख़त्म करता ही नहीं हूँ। तो मेरे बैंडमेट्स को भी बहुत गुस्सा आता है मेरे पे कि इतना सब फुटेज ले लेता है बट डालता ही नहीं है। तो आज तो करेंगे, तो यहाँ पे नागपुर में ही है शो और आई गेस एक वीक बाद मैं कोई शो कर रहा हूँ और वो भी प्राइवेट शो है, मतलब अच्छा है, इंस्ट्रूमेंटल है, तो बहुत मज़ा आएगा। ऑल्सो हम लोग नया गिटार लेके जा रहे हैं, हमारा बैड कैमरा एंगल, हाँ, तो और मज़ा आएगा, उसको एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। तो अभी मैं जल्दी से नहा के आता हूँ, चेंज करेंगे जल्दी जल्दी एंड जाएंगे। 8:30 तक पहुँचना है वहाँ पे, तो लेट्स गो। तो गाइज़ वी आर रेडी। अभी मैं जल्दी से बैग पैक कर लेता हूँ। अभी हम लोग मेरा नया गिटार यूज़ कर रहे हैं विच इज़ GB&A मिनी। बहुत बढ़िया गिटार है एंड पार्लर साइज़ है, छोटा साइज़ है। अब पार्लर साइज़ बेसिकली क्या होता है कि नॉर्मल गिटार्स में, ड्रेडनॉट या फिर कटअवे में, 14 फ्रेट तक जाता है फ्रेटबोर्ड, विच इज़ अभी ये दिख रहा है क्या, हाँ, तो ये जो 12th फ्रेट है वहाँ पे ही बॉडी ख़त्म हो जाता है पार्लर में, ठीक है। और नॉर्मल जो रहता है उसमें 14 फ्रेट तक जाता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल, ड्रेडनॉट, कटअवे या फिर एंड पार्लर गिटार, ठीक है। तो हम लोग पैक कर लेते, यामाहा नहीं लेके जा रहा हूँ मैं, तो यामाहा को मेरे बहुत बुरा लग रहा होगा आज। तो ये देखिए, ये हमारा गिटार छोटा है एंड बहुत ब्यूटीफुल साउंड है। ये करेंगे, पिकअप भी है और पता नहीं GB&A कैसे पिकअप इतने ब्यूटीफुल बनाते हैं, बहुत बढ़िया पिकअप है। थोड़ी सी सर्दी भी हो गई गाइस मेरे को, पता नहीं कैसे। तो ये हो गया। ऑलवेज गाइस एक भूलिए मत कि अगर आप भले बैठ के प्ले करने वाले हो बट हमेशा एक स्ट्रैप रखिए गिटार का, कभी भी यूजफुल हो सकता है। ऑल्सो मल्टीपल पिक्स रखिए, है ना, 5-6 फ्लेक्ट्रॉन्स रखिए, जितने भी रख सकते हो आप साथ में, इट वुड बी बेनिफिशियल। और ये हर एक गिटारिस्ट के साथ हुआ है कि प्लेक्ट्रम गिर गया है, तो हो सके तो ऐसा एक पिक होल्डर ले लीजिए, बहुत बहुत काम का रहता है ये, ऐसा निकलता है पिक्स उसमें से, तो बहुत काम का रहता है, ये भी ले लीजिए इफ़ पॉसिबल। ऑल्सो गाइज आज हम लोग एक प्रोसेसर भी लेके जा रहे हैं विच इज़ द बॉस ME25, इसके बारे में अलग से बात करेंगे हम लोग, इस वीडियो में नहीं करेंगे। तो आज थोड़ा एक्सप्लोरेशन वाला डे है, तो मैं सोचा, वैसे तो इलेक्ट्रिक गिटार का प्रोसेसर है बट हम लोग अकूस्टिक में यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो थोड़ा सा वायर्स रखिए, लीड वायर्स रखिए अपने साथ एक्स्ट्रा की, क्योंकि अगर साउंड वाले की कोई वायर ख़राब हो गई तो आप क्या करोगे ना, तो इसलिए अपने साथ रखिए। एंड लगे तो हेडफोन्स लेके जाइए, जो भी चीज़ लेके जा सकते हो सब लेके जाइए साथ में, विच यू थिंक कैन गो रॉन्ग तो सब लेके जाइए। एंड और उसको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है बॉस का एक पेडल जो मेरे सर ने मुझे दिया है, पुनीत सर ने, आप तो जानते ही हो उनको। तो इसको भी एक्सप्लोर करने का हूँ मैं एक जल्दी से, मैं कभी, ये डिजिटल है, डीले है ये एक्चुअल में, तो मुझे अभी एक रिवर्ब लेना है, सीटी बिना एक रिवर्ब लेना है। रिवर्ब लेने के बाद मैं इन दोनों को शोज़ में यूज़ करूँगा, तो उस पर भी अलग बात करेंगे, तो यू कैन चेक इट ऑन गूगल तब तक अगर आपको स्पेसिफिकेशंस चाहिए होगे तो। तो ये बॉस का डिजिटल डिले DD3 है, तो आप ये कर सकते हो। एंड अभी हो गया, अभी मैं कुछ तो भी खाता हूँ पहले एंड देन हम लोग निकलेंगे, तो चलिए मिलते हैं। तो गाइज वी आर एट द वेन्यू एंड ऑफकोर्स हर टाइम की तरह मैं बहुत पंचुअल हूँ और मैं पहुँच गया हूँ, अभी ये लोग आएंगे, तो तब तक थोड़ा सा टाइम पास करते हैं एंड फिर चालू करेंगे, साउंड चेक करेंगे जल्दी से एंड देन शुरू करेंगे। तो हमारे कीबोर्डिस्ट आ गए हैं कैप से, व्लॉग कर रहा हूँ मैं, हाँ, हेलो बोलो। और ये बहुत सारा सामान इनका, अभी आया मैं।
तो ये है हमारे ड्रमर अथर्व भैया, यहाँ पे इनका इंस्टा हैंडल है तो इनको जाके फॉलो करो। भैया हमसे थोड़ी सी बात करो। नहीं भैया दो सवाल। भैया प्लीज, थैंक यू भैया, थैंक यू सर। भैया हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं जो जिनको ड्रमिंग स्टार्ट करना है तो उनके पास ड्रम नहीं है तो वो कैसे स्टार्ट करें, मतलब कुछ ऐसा बेसिक्स विदाउट क्लास वगैरह कुछ कर सकते हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो यही बोलूँगा स्टिक्स ले लीजिए, सिर्फ स्टिक का प्लेयर, और क्लासेस ज्वाइन कीजिए सबसे पहले, और फिर जो सर बोलेगा उस पर फिर ऐसा ना अपन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं हाथ पैर पे। घर पे फील होगा, तुम्हारे पास चेयर होंगे उस पर आप बैठ के प्रैक्टिस भी ओके। कुछ ऐसा एक बेसिक सा ग्रूव बताइए एक बार, थोड़ा सा एकदम बेसिक सा। मैं आपको ड्रम में एक बताऊंगा ओके। पहला ग्रूव ये सबसे सिंपल, ओके। आपके किट के बारे में थोड़े से बताइए, ये क्या है? मेरा किट रोलैंड TD1DMK है, ये 62,000 का कुछ अवेलेबल रहता है, चाहे आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो। ओके सर, तो यहाँ पे फिर से इनका इंस्टा आईडी है, यहाँ पे फॉलो कीजिए इनको। थैंक यू सर। तो भैया कैसा हुआ शो आज का? टॉप क्लास, मुझे मजा आया। मजा आया, लोगों को भी बहुत मजा आया। और साउंड वाले भैया आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, एक नंबर शो हुआ आज का। अच्छा, होप सो अगला भी शो हमारा इससे भी बेटर हो। क्या बात है, क्या बात है, यही जज्बा। हमने सुना आप आज रायपुर से आए सुबह सुबह। आज सुबह रायपुर आया। अच्छा, रायपुर से आया हूँ, शो किया है, घर जाना है, मस्त सुना है, फिर कल रायपुर निकल जाना है। फिर से? अच्छा, वो मशीन लेने को। हाँ हाँ, और अथर्व भैया कैसा हुआ शो? Yeah.